नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में सपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतर कर किसान बिल का जमकर विरोध किया है। प्रदर्शन के दौरान सपाइयों ने भाजपा पर निशाना साधते हुए किसान विरोधी सरकार बताते हुए मोदी सरकार पर इसका ठिकरा फोड़ा है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर जनपद के सभी तहसीलों पर सपाइयों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। किसान आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरकर सपाइयों ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अमित यादव और जनसभा के जिला अध्यक्ष ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। जनपद की तमाम तहसीलों में अलग अलग जगह पर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया है। मोहम्मद आजाद चौधरी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पिछले काफी महीने से किसान हमारा अपना घर परिवार छोड़कर रोडों पर बैठा हुआ है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये मोदी सरकार जो किसानों के खिलाफ काले कानून लाई है, उसको लेकर हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी का आदेश है, तब तक बराबर हम लोग किसानों के साथ खड़े रहेंगे और किसानों के हक की जायज मांग पूरी करवा कर। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इतने कमजोर नहीं कि सरकार दबा सके, सरकार के कर्मचारी दबा सके। हम समाजवादी किसान लोगों के साथ हरदम हैं, हरदम रहेंगे, बरमेश रहेंगे। सरकार इस कानून को वापस ले या ना ले, इस कानून को वापस ना लेगी तो हम लोग इस प्रदर्शन को और बड़े तरीके से करेंगे, और रैलियां करेंगे, और रोडों में आएंगे, और रुकेंगे नहीं, ना थमेंगे हम लोग। हम समाजवादी लोग एक एक लोग जुट होकर किसानों के साथ जुड़े रहेंगे। आपने देखा होगा कभी किसान रोड पे नहीं आया, कभी इस तरीके से परेशान नहीं हुआ, तगड़ा प्रदर्शन नहीं करना पड़ा कि पूरे परिवार को लेके वो रोड में बैठा हुआ है। रोज एक न एक उनके परिवार का आदमी मारा जा रहा है, मर रहा है ठंड के कारण। ये सरकार इतनी निकम्मी है, सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम हम लोग कर रहे हैं। जय जवान जय किसान।